नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से दोस्तों आप ऑन रिक्वेस्ट नेम नोटिंग ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर कल की डेट में डिवीज़न अजमेर की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। इन्होंने दोस्तों ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दिया गया है बहुत सारे कैंडिडेट का। जी हाँ दोस्तों, ऑन रिक्वेस्ट बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि भाई, जैसे मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था कि ऑन रिक्वेस्ट है म्यूचुअल या आपका स्पाउस कोटा इंटर रेलवे, इनका बता दें कि क्या नियम होता है। और दूसरी वीडियो में आपको ये बताया था कि भाई किस प्रकार से आप HRMS ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऑनलाइन HRMS के माध्यम से ऑन रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो वो लिस्ट कैसे प्रिपेयर होती है और ट्रांसफ़र किस बिहाफ पे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये आपको दिखाऊंगा भी ये ट्रांसफ़र किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप HRMS के माध्यम से ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा देते हैं, नेम नोटिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें दोस्तों किस प्रकार से आपकी लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अजमेर डिवीज़न का ही लेटर है और ये है ना, ये 2022 में आया था। और इसमें दोस्तों क्या है कि आपका जिन भी कैंडिडेट ने जब ये लेटर निकाला था उस डेट तक जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पर आपका नेम नोटिंग लगा रखी है, उनकी लिस्ट यहाँ पर डाली गई थी कि भाई ये लिस्ट है, ये वरीयता लिस्ट है और जब भी ट्रांसफ़र होगा फ्यूचर में तो इसके बिहाफ पे किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सब्जेक्ट आप देख लीजिए, स्वयं के अनुरोध पर एक रेल पथ वरीयता यूनिट से दूसरी रेल पथ वरीयता यूनिट पर स्थानांतरण। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये रेल पथ वरीयता यूनिट क्या होती है। देखो, रेलवे के अंदर अभी इंजन डिपार्टमेंट की बात है तो यहाँ पर वरीयता यूनिट क्या होती है। वरीयता यूनिट का मतलब होता है सीनियरिटी। सीनियरिटी क्या होती है कि भाई आपके साथ स्टेशन पे एट ए टाइम 15 से 20 लोग काम करते हैं, आपके डिवीज़न में हज़ारों लोग काम करते हैं, तो उनमें से सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, और सीनियर है तो कितने नंबर पे सीनियर है, तो उसकी एक लिस्ट बनती है, उसको बोलते हैं सीनियरिटी लिस्ट। और ये जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है फिलहाल ट्रैक मेंटेनर की बनती है ADN लेवल पे, ADEN लेवल पे, मतलब असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के लेवल पे बनती है। और इसमें तकरीबन 15 से 20 स्टेशन होते हैं ADN के अंडर में, तो उस स्टेशन पे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो उस ADN के अंडर में तो आपकी सीनियरिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उस ADN को छोड़कर दूसरे ADN में जाते हो, ट्रांसफ़र लगाते हो, तो आपकी सीनियरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपको 1800 पे ग्रेड में ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक रेल पथ वरीयता यूनिट से दूसरे रेल पथ वरीयता यूनिट में जा रहे हैं, मतलब इसको आप बोलेंगे इंट्रा डिविजनल ट्रांसफ़र, है ना, इंट्रा डिविजनल ट्रांसफ़र की ये लिस्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ टर्म्स कंडीशन लिखी गई है, वो मैंने आपको बता दी गई है कि अगर कोई कैंडिडेट है इस नेम नोटिंग को लगाए गए 3 साल हो गए हैं और वो नेम नोटिंग रखना चाहता है कि भाई मैं तो नेम नोटिंग रखना चाहता हूँ सेम टू सेम, क्योंकि 3 साल में प्रमोशन हो जाता है, 1800 का हुआ 1900 हो जाता है, 1900 का मान लीजिए 2400 में हो गया, तो अगर वो फिर भी जाना चाहता है तो दोस्तों उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट एक रेल पथ वरीयता यूनिट से दूसरे रेल पथ वरीयता यूनिट में जाता है तो यहाँ पर उसकी दोस्तों बोल रखा है कि उसका भले पे ग्रेड कोई सा भी हो, 2800, 2400, 1900, उसे दोस्तों लेवल 1 यानी कि 1800 पे ग्रेड में ही भेजा जाएगा और उसके लिए लिखित में ये चीज़ आपसे ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये आपकी नेम नोटिंग है, नेम नोटिंग है मतलब ये सीक्वेंस है, मतलब अगर फ्यूचर में कोई ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इन कैंडिडेट का यहाँ पर किया जाएगा पहले। तो यहाँ पर देखिए, ये कैंडिडेट को देख लीजिए, जितेंद्र गुर्जर, और यहाँ पर इनके पिता का नाम पदनाम, स्टेशन जो करंटली वर्क कर रहे हैं SSCP वे नसीराबाद के अंडर ये काम कर रहे हैं, और NSD को अभी ये BHL में कंसिडर कर दिया गया है, भीलवाड़ा लाइन में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो फॉर्म भरा था, देखो इसमें सीनियर कौन बनता है नेम नोटिंग में या ऑन रिक्वेस्ट में, जो सबसे पहले फॉर्म डालता है ना वो सीनियर होता है आपके नेम नोटिंग के अंदर, मतलब उसका पहले ट्रांसफ़र होगा। तो इन कैंडिडेट ने देखिए 30/9/2019 को यहाँ पर ट्रांसफ़र की लिस्ट लगाई थी और इन्होंने मांगा है कि मुझे SSCPV नॉर्थ के अंदर भेजा जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं अपना नाम भी आपको दिखा देता हूँ, 270 के आसपास था मेरा नाम भाई, तो देखो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा दोस्तों 271 पे। ठीक है, 271 पे आप देख लीजिए, खेमराज सैनी, और मैं SSCPV रानी, और मैंने जो लगा रखी है वो दोस्तों देखिए क्या क्या लगा रखी है, SSC नॉर्थ लगा रखा है और साउथ लगा रखा है और नसीराबाद, तीनों लाइन मैंने लगा रखी है। ठीक है, अब देखिए, अब इनको हालांकि आजकल चेंज कर दिया गया है, नॉर्थ को इनको आजकल दोस्तों यहाँ पर BHL बोलने लगा है, जो आपका NSD उसको BHL में कंसिडर किया गया है, और जो आपका ये दूसरी लाइन है जो आपका नॉर्थ वाली, इसको दोस्तों आजकल ADN लाइन बोला जाने लगा है, तो थोड़ा सा नाम यहाँ पर चेंज हो गया है।
ठीक है, साउथ कोर इसको, मतलब साउथ और इसको मिला के अब इंडियन लाइन बोला गया है। अब देखिए ये तो दोस्तों लिस्ट है, अब इसमें दोस्तों अब ट्रांसफ़र हो गया है लोगों का, तो उस ट्रांसफ़र की लिस्ट में अब दोस्तों कल की डेट में यहाँ पर इनका सक्सेसफुली ट्रांसफ़र किया गया है बहुत लोगों का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए उस ट्रांसफ़र की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने रिजाइन दे दिया है, लेकिन आप इस कैंडिडेट को देख लीजिए, कपूर चंद योगी, मेरे साथ का ही है, ठीक है, मेरे साथ इन्होंने लगाया था, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये भर रखा है। अब इसको ट्रांसफ़र जो दिया गया वो आप देख लीजिए, ये रहा देखिए, अब ये जो लिस्ट है ना दोस्तों ये कार्यालय का आदेश है, मतलब जिन्होंने भी नेम नोटिंग लगा रखी थी उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का आदेश यहाँ पर आ चुका है। डेट आप देख सकते हैं, कल की डेट है 27/4/2023, स्वयं के अनुरोध पर एक रेल पथ यूनिट से दूसरे रेल पथ यूनिट में स्थानांतरण। तो यहाँ पर देखिए कार्यालय का पत्र संख्या इतना दिया गया है और प्रधान कार्यालय जयपुर से लेटर जो प्राप्त हुआ है उसका संदर्भ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक सहायक मंडल इंजीनियर, मतलब एक ADN वरिता यूनिट से दूसरी ADN वरिता यूनिट पर स्थानांतरण के लिए ट्रैक मेंटेनर कोटी के कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को नेम नोटिंग के आधार पर उनके समक्ष दी गई सहायक मंडल इंजीनियर वरिता, मतलब ADN पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है दोस्तों, मतलब इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला नाम आप देख लीजिए वही है जो आपका लिस्ट में था, जितेंद्र गुर्जर, इनका ट्रांसफ़र करके, और ये मैंने आपको पहले बोला था कि NSDO को BHL में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये पहले थे BHL भीलवाड़ा ADN के अंडर, और इन्होंने मांगा था दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा इन्होंने मांगा था नॉर्थ, मांगा था, और नॉर्थ को दोस्तों अब जो है ADN लाइन यहाँ पर कर दिया गया है, तो इन्हें दोस्तों यहाँ पर ADN लाइन अजमेर यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो दोस्तों जो सीनियर होता है उसका पहले ट्रांसफ़र किया जाता है। और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कैंडिडेट है, इन्होंने मांगा है ADN लाइन, लेकिन अगर ADN लाइन के अंदर कोई सीट वैकेंट नहीं है तो इसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट दो दो तीन तीन ऑप्शन भरते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर आप नीचे आइएगा तो मेरा नाम तो आपको मिलेगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर रिजाइन दोस्तों दे दिया है, ठीक है। बाकी मैं अपने साथी का आपको ढूंढ के देता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पर होगा देखिए 270 के आसपास से आपको मिलेगा, मतलब इनमें क्या है दोस्तों, मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वहाँ मेरा 271 था, और एक साथी का और नाम मैंने आपको नाम दिखाया था वो जस्ट मेरे से ऊपर था, है ना, ये आपको दिखाया था मैंने, कपूर चंद योगी, ये आपको दिखाया था। और यहाँ पर देखिए अब क्या है कि हमारा ADN पहले रानी था, अब चेंज हो गया है, इसलिए ये पहले वो SSC रानी था, तो हमारा SSC अब ये अब ADN लिखा जाने लगा है, क्योंकि अब सीनियरिटी ADN लेवल बनती है। और यहाँ पर देखिए इन कैंडिडेट ने दोस्तों क्या क्या मांगा था, इन कैंडिडेट ने दो भरे थे, मतलब तीन थे, तीन को अब मर्ज करके दो कर दिया, एक ADN लाइन और ADN भीलवाड़ा, तो इनको भीलवाड़ा दिया गया है। और आपने देखा होगा इनका नाम पहले कुछ 260 के आसपास था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्या रिजाइन मार के चले गए, कुछ जाना नहीं चाहते, इस वजह से नाम काट दिए गए, इसलिए दोस्तों इनका नाम यहाँ पर ऊपर आ गया। अब देखो मेरा नाम इसमें है नहीं क्योंकि मैंने रेजिग्नेशन यहाँ पर दे दिया है, इसलिए इस लिस्ट में मेरा नाम दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब देखिए टू टर्म्स कंडीशन यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि भाई जो आपका जो है आगे क्या टर्म्स कंडीशन है, इनका ट्रांसफ़र तो सक्सेसफुल हो गया है। अब देखिए इनका स्वयं के अनुरोध पर ट्रैक मेंटेनर फोर पे लेवल 1 पे निम्नतम वरीयता में स्थानांतरण किया जाता है। निम्नतम वरीयता का मतलब बॉटम सीनियोरिटी, एकदम सीनियोरिटी आपकी ख़त्म कर दी गई, जीरो सीनियोरिटी पर आपका ट्रांसफ़र किया गया है। यदि कोई कर्मचारी उच्चतम पे ग्रेड में पदोन्नत हो गया है, मान लीजिए पहले जब फॉर्म भरा था नेम नोटिंग 1800 पे ग्रेड में था, लेकिन अब 1900 में चला गया, 2400 में चला गया, तो दोस्तों उसे कार्य मुक्त करने से पहले, मतलब उसका ट्रांसफ़र करने से पहले उससे ये लिखवा के लेना पड़ेगा कि आपको भाई हम लेवल 1 में यानी कि 1800 पे ग्रेड में ही भेजेंगे, क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट आप जाते हो तो आपको 1800 पे ग्रेड में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद बोला गया कि प्रधान कार्यालय जयपुर का जो लेटर क्रमांक इतना इतना है, उसके बाद बोला गया है कि जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, अराजपत्रित पर होते हैं नॉन गेजिटेड, मतलब ग्रुप D और ग्रुप C, तो इसके स्थानांतरण संबंधित नीति निर्देशानुसार स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद रद्द नहीं किए जाएंगे। मतलब बोला गया है कि इनका आदेश एक बार निकल गया तो दोस्तों आप इसका ट्रांसफ़र रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ बोला गया है इस प्रकार के आवेदन पर मंडल रेल प्रबंधक, मतलब DRM ही इनके आदेश को रोक सकता है। मतलब अब इनका ट्रांसफ़र हो गया है, अब अगर कोई कैंडिडेट है नहीं जाना चाहता तो दोस्तों इनके आदेश को सिर्फ DRM ही रोक सकता है। आगे देखिए, आगे बोला गया कि स्वयं के अनुरोध पर, मतलब ऑन रिक्वेस्ट पर एक ADN से दूसरे ADN में स्थानांतरण पर इन्हें प्रचलित नियमों के अनुसार एक ADN से दूसरे ADN में भेजा जा रहा है, तो उनको लेवल 1 में ही भेजा जाएगा, मतलब आपके 1800 पे ग्रेड में ही भेजा जाएगा। और दोस्तों इनका जो ट्रांसफ़र है वो स्वयं के नेम नोट पर है, तो इसलिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी, मतलब आपने खुद ने
ट्रांसफ़र चाहा है, इसलिए दोस्तों आपको रेलवे की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों रेलवे आप प्रशासन में आपको अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपको यहाँ पर छुट्टियाँ मिलती है और आपको जो है जाने के लिए अलाउंस वगैरह मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर खुद ने दोस्तों आपका जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र मांगा है खुद ने, तो दोस्तों आपको कोई यहाँ पर नहीं मिलेगा बेनिफिट रेलवे की तरफ से। कर्मचारी के कार्य ग्रहण करने की तिथि से सर्व संबंधित को सूचित किया जाए, इस पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। मतलब कार्य ग्रहण कर ले, मतलब वहाँ जाके नए स्टेशन में जाके, तो उसके बाद इस कार्यालय को सूचित करें, ये दोस्तों बोला गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है ऑन रिक्वेस्ट नेम नोटिंग क्लियर किया जाता है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप भी दोस्तों जैसे आपकी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म हो जाए और जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद दोस्तों आप ऑन रिक्वेस्ट नेम नोटिंग जो भी आप लगाना चाहें वो दोस्तों लगा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जब भी आपकी फ्यूचर में क्लियर होगी तो जिसने पहले आपका लगा रखा है उसका दोस्तों यहाँ पर पहले क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।